वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सृष्टि श्रीवास्तव आज आपको लेके चल रही हूँ वृंदावन के प्रेम मंदिर के दर्शन कराने। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेन से हमारे चंबल का व्यू है। चंबल के ये जंगल बोलते हैं जिसको, वो चंबल का एरिया ये चल रहा है। हम लोग ट्रेन से गए थे वृंदावन, तो उसी के दौरान मैंने ये शूट किया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये चंबल के एरिया है। वेरी ब्यूटीफुल। और फिर आगे ये आ गई हमारी चंबल नदी। चंबल नदी से हम लोग निकल रहे हैं, तो हम लोग जब तक पहुँचे थे मथुरा, हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, तो हमें रात हो गई थी पहुँचने में। तो मैं पहले आपको रात में हमारा प्रेम मंदिर कैसा लगता है वो दिखाऊंगी, फिर दिन में कैसा लगता है वो भी दिखाऊंगी। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, तो आप लोगों में से कौन कौन प्रेम मंदिर हो आया है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं आपको फोन से वीडियो से प्रेम मंदिर के दर्शन कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये रहा हमारा प्रेम मंदिर, ये देखिए। ये रात में बहुत ही अच्छा लग रहा था, दिन में तो अच्छा लगता है लेकिन रात में जो लाइट्स होती हैं वो इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। देखिए रात में भी कितनी भीड़ थी वहाँ पर, और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन भगवान की भक्ति के आगे ठंड क्या चीज़ है। वहाँ पे भगवान को देख के सारी ठंड ही दूर हो गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये है श्री कृष्ण जी की झांकी, जहाँ पे श्री कृष्ण जी शेष नाग के सिर पे खड़े होके डांस कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कितनी सुंदर छवि है। थोड़े से कोहरे की वजह से धुंधला सा आ रहा है, लेकिन ये देखिए मंदिर इस टाइम पिंक कलर का है। आप देखते जाइएगा कितने रंग इसमें चेंज होते हैं। ये सुंदर सी झांकी गोकुल की, रात में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम ऐसा लग रहा है कि सभी पक्षी और सभी लोग जो हैं एकदम जीवित खड़े हुए हैं। इतनी सुंदर झांकी थी। ये देखिए मंदिर का रंग चेंज हो गया, अब ब्लू हो गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंदिर की परिक्रमा। ये आगे से आके बाईं तरफ से हम लोग परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। ये मंदिर का बायां भाग है। दो मंजिले की ये बिल्डिंग है। अभी हम लोग बाईं तरफ से परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। डार्क पिंक कलर अभी लाइट मंदिर की, बहुत ही सुंदर। बाईं ओर से हम लोग मंदिर के पीछे की ओर जा रहे हैं, ये कलर चेंज हो रहा है मंदिर का। अब हम लोग पीछे की तरफ आ गए हैं। पीछे की तरफ बढ़ते हुए, पीछे भी बहुत सारी झांकियां बनी थी। ये पीछे एक बगीचा है बना हुआ झांकी का। यहाँ पे गाय हैं, भगवान श्री कृष्ण है,
और गोकुलवासी हैं। बहुत ही सुंदर, मनमोहक। आप लोग देखिए, दर्शन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग गए ही होंगे, और नहीं गए हैं तो भगवान की इच्छा से जाएंगे, जरूर जाएंगे घूमने। लेकिन बस आप फोन पे अभी भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। छोटे छोटे गो गाय बछड़े, सुंदर सी छवि, ये देखिए मंदिर का ये पीछे का भाग है। ये भगवान राम, भगवान कृष्ण की आरती हो रही है। हम लोग बहुत ही सही टाइम पे भगवान के दर्शन करने पहुंचे थे, सभी के दर्शन हो गए थे, आरती भी मिल गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये पीछे से पीछे के दाहिनी तरफ का ये झांकी है। हम लोग परिक्रमा करके दाहिनी तरफ से वापस आ रहे हैं, बाएं से गए थे, दाहिनी तरफ का ये है। दाहिनी तरफ पे ये गोवर्धन पर्वत बना हुआ है, गोवर्धन पर्वत की झांकी है ये। जब इंद्र भगवान ने गुस्से में बारिश की थी, मूसलाधार बारिश, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा के अपनी उंगली पे गोकुलवासियों की रक्षा की थी, उन्हें बारिश से बचाया था। ये तो सबको पता ही होगा। ये सुंदर सा मंदिर। अब ये देखिए, हम लोग दिन में पहुंच गए, सुबह सुबह 11 बजे। तो हम लोगों ने रात में भी मंदिर देखा, दिन में भी देखा, बहुत अच्छा लग रहा है दिन में भी। ये रहा मंदिर। सुबह सुबह मंदिर में आके दर्शन करके और भी अच्छा लग रहा था। ये झांकी भगवान श्री कृष्ण की। जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे रामा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा, जहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट की थी, दिन में ये ऐसा है सुंदर सा। ये झांकियाँ, ये पीछे का हिस्सा है। ये पीछे बनी हुई झांकियां जो रात में भी देखी थी। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, लग रहा है हर जगह भगवान श्री कृष्ण साक्षात आए हुए हैं, इतनी सुंदर झांकियां बनी हुई हैं।
हैप्पी भक्ति दिवस। ये वहाँ पे कबूतर मंदिर पे बैठ रहे थे, उड़ रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था देख के, बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं। आप लोग ज़रूर जाइए, अगर मौका मिले तो ज़रूर एक बार वृंदावन के प्रेम मंदिर में जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, अर्जुन अर्जुन के सारथी बने हुए, बाकी ये पीछे कैंटीन है और ये सुंदर सी झांकी राधा कृष्ण की। एक और प्यारी सी झांकी, ये दिन में गोवर्धन पर्वत की झांकी, ये प्यारी सी झांकी गोवर्धन पर्वत की, ये मंदिर का सामने का। अब ये बाहर जाने का रास्ता, और ये देखिए कुछ और सुंदर सुंदर झांकियाँ, भगवान और रानी रुक्मणी, बहुत ही प्यारा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये शादी की जो झांकी बनी हुई है कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी की, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा मंदिर जाके। राधे राधे, बहुत सारी झांकियां हैं, इनको देख के लग रहा है भगवान साक्षात आए हुए हैं। राधा कृष्ण जी झूला झूलते हुए, ये डांस करते हुए, और अब ये छोटी सी क्लिप निधिवन की है, तो कैसा लगा ये ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप बने रहिए। थैंक यू।